जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ क्लास फॉर एग्ज़ाम में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज क्लास 10 से संबंधित क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें से गणित से स्लेटर क्वेश्चन है। दोस्तों बन रहे पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो दोस्तों, इस बार जो 2022 में होने वाला एग्ज़ाम है दोस्तों, और उसी से संबंधित क्वेश्चन लेके आए हूँ दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं कि शर्मा गैस झारखंड अवधि परिषद क्लास 10 के लिए दोस्तों, और इसी से संबंधित सेट 1 आज हम लोग पढ़ेंगे। और दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि अगर इसमें से लगभग सेट, तो दोस्तों इसमें सेट 5 है, और पांचों अगर कर लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि आप अच्छा अंक ला सकते हैं। और बन रहे हैं पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और मैं गारंटी दिलाता हूं कि आपका क्वेश्चन जो है सब एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, मतलब इसी तरह से संबंधित क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो पूरा का पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे दोस्तों, ठीक है। तो ये क्लास 10 के लिए है, और वही विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों, आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन क्या होता है कि एक विद्यार्थी दूसरे के पास जाएगा तब उन लोगों को पता चलेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा सा हेल्प करना ही होगा दोस्तों। और पार्ट यानी सेट 1 अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो कॉमेंट कीजिएगा, फिर सेट 2 लेके आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो दोस्तों सेट 1, शर्मा गैस का सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, न बिंदुओं -5, -7, -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो बीच की दूरी यानी दूरी सूत्र से फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो पहले मानते हैं न क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले मानते हैं दोस्तों न पी, पी का मान दिया हुआ है -5 और 7, ठीक है। और क्यू का मान दिया हुआ दोस्तों -1 और 3, ये दिया हुआ दोस्तों, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं ना x1 y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। और दूरी सूत्र से फॉर्मूला होता है दोस्तों, ना दूरी सूत्र से फॉर्मूला होता है दोस्तों, ना PQ इक्वल टू फॉर्मूला होता है √x2 - x1² + y2 - y1² ये होता है फॉर्मूला दोस्तों, ठीक है। अब x2 का मान क्या दोस्तों, x2 का जो मान है वह -1 है, तो लिखेंगे -1, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा ही दोस्तों। और x1 का मान क्या दोस्तों, ना -5 है, तो ये माइनस और यहाँ माइनस, क्या हो जाएगा ना प्लस हो जाएगा 5, ये स्क्वायर रहेगा ही दोस्तों, ठीक है। अब y2 का मान क्या दोस्तों, ना 3 है, तो लिखेंगे 3 माइनस से माइनस। y1 का मान क्या दोस्तों, ना 7 है, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों यहाँ माइनस और प्लस क्या होता है ना, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 5 में 1 घटेगा कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ 4 का स्क्वायर है, तो लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। फिर तो यहाँ प्लस है मतलब कुछ नहीं, मतलब यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 7 में 4 3 घटेगा दोस्तों कितना आएगा ना 4, तो 4 का यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर लिख सकते हैं दोस्तों ना 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ना 16, फिर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 16, √ कितना हो जाएगा ना 32। तो इसको फैक्टर निकालने आप लोगों का आता ही होगा दोस्तों कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो इसका हो जाएगा ना 4√2 होगा, ठीक है। और इसी का आंसर होगा आंसर इकाई, ठीक है, और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए एवं टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, ये निकालना दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले एक फिगर बनाना दोस्तों, ठीक है, और इसको लिखना है ए, ये बी और ये सी, ठीक है। और जिसमें से दोस्तों दिया हुआ है, पहले मानते हैं कि माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री
ठीक है, इसको 90 डिग्री मानना दोस्तों, ठीक है। और सबसे पहले ये देखना दोस्तों कि इसमें से किसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको जो है बेस बोलते हैं, बेस का मतलब क्या होगा दोस्तों, ना इसको आधार बोलते हैं, आधार हिंदी में, ठीक है। तो बेस का जो है हम लोग बी मानते हैं, और लंब का परपेंडिकुलर यही पी मानेंगे दोस्तों, ठीक है, इसको लंब बोलना है। और ये दोस्तों ना कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस एच होगा दोस्तों, ठीक है। और जिसमें से दिया हुआ दोस्तों कि ना साइन ए का मान दोस्तों ना 3/4 दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, जिसमें से फॉर्मूला होता है ना पी बटा एच, ठीक है। तो पाइथागोरस नियम बताता है दोस्तों ना कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा दोस्तों, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी एच का मान, तो एच का यहां लिखा हुआ दोस्तों कितना है ना 4, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर। अब यहाँ ए बी, ए बी में क्या दिया दोस्तों ना आधार दिया हुआ है, आधार को क्या माने हैं बी, तो इसको बी का बी रहना है, ठीक है। और ये बी सी दोस्तों क्या है ना पी है, यानी परपेंडिकुलर है, और पी का मान दिया हुआ दोस्तों कितना है ना 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों ना 16, और बी का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ना 9 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो लिखेंगे ना 16 यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस हो जाएगा 9 इक्वल टू बी का स्क्वायर। तो इसको घटाएंगे तो क्या लिखेंगे ना बी इक्वल टू, इसको घटाना कितना हो जाएगा दोस्तों ना 7 हो जाएगा, यही बी स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, यानी बी का मान हो गया दोस्तों √7। तो निकालना क्या है दोस्तों ना कॉस ए का मान, कॉस ए, ये कॉस ए का मान निकालना दोस्तों। तो कॉस ए यानी कॉस ए का फॉर्मूला होता है दोस्तों ना बी बटा एच, तो बी का मान कितना है ना, बी का मान यहाँ दिया हुआ है √7, तो लिखेंगे √7, ये हो गया बी दोस्तों। और बी बटा एच होता है, और एच का मान कितना दिया हुआ दोस्तों ना एच इक्वल टू 4 यहाँ लिखे हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ 4, ठीक है, ये कॉस ए का मान हो गया दोस्तों। और निकालना है ना टेन ए का मान, तो टेन ए का मान होता है दोस्तों ना पी बटा बी, तो पी का मान क्या है दोस्तों ना पी का मान यहाँ दिया हुआ है 3, तो लिखेंगे 3, पी बटा बी होता है। और बी का मान यहाँ दिया, बी का मान निकाले हैं दोस्तों, बी का मान कितना है ना √7, तो यहाँ √7 लिख देना दोस्तों। और यही निकालने के लिए बोला गया था, और यही इसका आंसर होगा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये सब जितना भी क्वेश्चन दोस्तों ना एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, ना मान ज्ञात कीजिए 2 tan² 45° प्लस cos² 30° माइनस sin² 60° का मान क्या होगा दोस्तों, ये निकालना है, ठीक है। तो दिया हुआ है ना 2 tan² 45° प्लस cos² 30° माइनस sin² 60° का मान क्या होगा दोस्तों, ये निकालना है, ठीक है। तो 2 गुना टेन 45° का मान क्या होता है दोस्तों ना, टेन 45° का मान 1 होता है, और 1 का स्क्वायर लिखना है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखना है, प्लस cos² 30° यानी cos 30° का मान क्या होता है दोस्तों ना √3/2 ये का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ प्लस है माइनस है दोस्तों, तो माइनस ही रहेगा यहाँ, ठीक है। और sin 60° का मान क्या होगा ना, sin 60° का मान √3/2 होगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि इस तरह का मान कैसे याद रहेगा, कि tan 45° का मान क्या होगा, cos 30° का मान क्या होगा, और sin 60° का मान क्या होगा दोस्तों। तो इस तरह का फॉर्मूला का हम पढ़ा चुके हैं, मेरा शॉर्ट वीडियो अपलोड किए हैं दोस्तों, पूरा का पूरा उसमें बताया गया दोस्तों। तो प्लेलिस्ट में जाके आप फॉर्मूला में चेक कर सकते हैं, इस तरह से इजी से और आसानी से बताए हैं दोस्तों, ठीक है। और इसको सॉल्यूशन कैसे करना है ध्यान दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो क्या है ना 2 × 1 का स्क्वायर कितना होता है ना 1, फिर प्लस √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर होता है दोस्तों ना 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ना 4, तो लिखेंगे 4, फिर यहाँ माइनस एंड माइनस, फिर यहाँ √3 का स्क्वायर है तो 3 लिखेंगे, बाय 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ना 4। अब देखते हैं दोस्तों दोनों समान है, यहाँ प्लस माइनस माइनस है, और जब दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों ना 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत अब नहीं है, सिर्फ 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा ना 2 हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं बाय रूल्स फॉलो करके, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 सिद्ध करें, यानी प्रूव दैट, इसको प्रूव करना दोस्तों, क्या ना cos 38°
और cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री इक्वल टू जीरो होता है, ये निकालना दोस्तों, ठीक है ना। पहले मानते हैं इस तरह क्वेश्चन रहता है दोस्तों, तो LHS लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड राइट, ठीक है। और इसमें दिया हुआ दोस्तों ना cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री, ठीक है, ये दिया हुआ दोस्तों, और इसको हल करने पर जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन रहता है दोस्तों, तो इधर से हल करना है, तो यहाँ cos है तो cos लिखेंगे। अब 90 डिग्री में 52 डिग्री घटाएंगे दोस्तों, तो ये 38 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री इक्वल टू 52 डिग्री हो जाएगा, माइनस इसको चेंज नहीं करना, इसको जैसे है वैसे ही रखना है दोस्तों। ना साइन 38 डिग्री है और यहाँ क्या है ना साइन 52 डिग्री है दोस्तों, ठीक है। अब साइन आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों कि साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस ए होता है, और ना कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू साइन ए होता है, इसी तरह का यहाँ फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो कॉस 90 डिग्री माइनस ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों ना साइन ए, तो साइन ए में क्या है ना 52, तो यहाँ लिखेंगे 52। फिर यहाँ कॉस है तो हो जाएगा ना साइन, और यहाँ ए का मान क्या है ना 38 हो जाएगा, फिर साइन 38 और साइन 52। अब दोनों दोस्तों ना एक ही मान है, साइन 52 साइन 52, साइन 38 साइन 38, इस कंडीशन में क्या हो दोस्तों ना ये इसके साथ कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो क्या होगा ना जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी या एक सिंपल से याद रखिएगा कि यहाँ 1-1 क्या हो जाएगा ना, 1-1 घटाएंगे क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। उसी प्रकार इससे इसको घटाने पर क्या हो जाएगा दोस्तों ना, घटाने पर जो हो जाएगा वह जीरो हो जाएगा, और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं बार बार उस फॉलो करके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, ये निकालना दोस्तों। तो सबसे पहले एक बेलन बनाना दोस्तों, इसमें और यहां से ये जो दोस्तों ये इसको त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं ना दोस्तों ना हाइट बोलते हैं, ठीक है। और इसमें से हाइट का मान दिया हुआ दोस्तों 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आर का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लंब वृत्तीय बेलन का, लंब वृत्तीय बेलन का आयतन इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है दोस्तों, ठीक है ना। पाई का मान होता है दोस्तों ना 22/7, तो दोस्तों पाई का जो मान होता है ये आप लोगों को पता होगा कि पाई का मान 22/7 होता है, और एक होता है ना 3.14, ये दोनों होता है। तो बच्चों को डाउट होता है दोस्तों कि इसमें से इसका यूज करें कि इसका यूज करें, तो अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि पाई का मान 3.14 यूज करना है तो करना है, और जिसमें कुछ नहीं बोला जाए दोस्तों तो 22/7 का यूज करना है, ठीक है। तो 22/7 लिखेंगे, और आर का मान क्या दिया ना 7, यहां लिखेंगे 7 का स्क्वायर, और एच एच का मान क्या है दोस्तों ना 5 है, तो लिखेंगे 5, ठीक है। फिर लिखना बराबर, फिर लिखेंगे ना 22/7 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया ना 7 को 2 बार लिखना है, फिर 5 है तो 5 लिखेंगे। अब ये 7 और 7 कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों ना इससे इसको मल्टीपल करते हैं, तो 5 × 10 के 0, फिर 5 × 10 अरे 11, मल्टीपल 7 हो जाएगा। ऐसा क्यों किए, क्योंकि मल्टीपल करने में इजी हो जाएगा दोस्तों, इसलिए ऐसा किया गया, ठीक है। तो 11 × 7 कितना होगा ना 77 हो जाएगा, एक जीरो है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि जब भी आयतन निकलता है दोस्तों तो क्यूब में होता है, और जब क्षेत्रफल बोला जाता है तो यहाँ स्क्वायर में होता है, और यही इसका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका होगा 770 सेंटीमीटर क्यूब, और यही इसका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, माध्य कोमा माध्यिका तथा बहुलक के बीच संबंध बताएं, यानी इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, तो वो लिखना है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों ना 3 माध्यक = 2 माध्य + बहुलक होता है, और यह एक प्रकार का फॉर्मूला होता है, और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, एक पासे को एक बार फेंका जाता है,
निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यह निकाल दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब पासा में फेंकते हैं तो पासा में संख्या रहता है दोस्तों, न डॉट डॉट बिंदु रहता है, तो एक से लेकर 6 तक रहता है, ठीक है। तो वही पासा को जब फेंका जाता है तो उसकी क्या प्रायिकता होगा यह निकालना दोस्तों। दोस्तों न पासे द्वारा प्राप्त अंक, पासा द्वारा प्राप्त परिणाम, यानी संख्या मान लेते हैं ई, ठीक है। तो पासा को जब फेंकेंगे दोस्तों तो क्या आ सकता है ना, एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये परिणाम हो गया दोस्तों, तो इसको लिखना है ना एन ई, एन ई का मतलब हो गया नंबर। तो नंबर कितना दोस्तों, एक दो तीन चार पाँच छः है, तो यहाँ 6 लिखना है, ठीक है। अब निकालना क्या दोस्तों, ना ए में लिखा हुआ है एक विषम संख्या, एक विषम संख्या। अब विषम संख्या एक का मतलब क्या होगा दोस्तों, ना सभी विषम को लिखना है, विषम संख्या, तो इसको एफ मान लेते हैं, और सभी विषम संख्या को लिखना है। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या दो से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। तो एक होगा, तीन होगा और पांच होगा, तो यहां लिखेंगे एक तीन और पांच। तो एन एफ यानी इसमें गिनेंगे कितना हो जाएगा ना एन एफ, एफ की संख्या कितना है, एक दो तीन है, तो यहाँ तीन लिख देंगे। एन का मतलब हो गया दोस्तों नंबर, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी पी मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता दोस्तों। तो किसका निकालना है दोस्तों, एफ का निकालना है, तो पी एफ इसकल टू लिखेंगे ना एन एफ बटा एन ई होता है दोस्तों, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब एन एफ का मान कितना है दोस्तों, ना तीन है, और एन ई का मान कितना दोस्तों, ना पाँच, छः है, तो लिखेंगे छः, तीन कम तीन, तीन दुना छः, यानी एक बटा दो होगा, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा में क्या दिया दोस्तों, ना दो नंबर बी में एक विषम, एक सम संख्या लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से निकालना है, जिस प्रकार सम संख्या निकाले हैं, जिस प्रकार विषम संख्या निकाले हैं, उसी प्रकार जो है दोस्तों ना सम संख्या निकालना है। तो लिखेंगे फिर वही ना सम संख्या, तो सम संख्या क्या क्या दोस्तों, ना दो है, चार है, छ है, तो यहां लिखेंगे दो चार और छ, इसको क्या मानते हैं ना जी मान लेते हैं, तो लिखेंगे एन जी इक्वल टू दोस्तों ना एक दो तीन, तो तीन लिखेंगे। तो क्या निकालना है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, तो लिखेंगे ना प्रोबेबिलिटी ऑफ जी दोस्तों ना एन जी बटा एन ई, तो एन जी का मान क्या है दोस्तों, ना तीन है, और एन ई का मान क्या है ना छ, तो लिखेंगे छ, तीन कम तीन, तीन दुना छ, यानी एक बटा दो होगा, तो इसका भी आंसर एक बटा दो हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं बाय रूल्स फॉलो करके, ठीक है। तो आज फिर पढ़ेंगे सेक्शन बी, ये सेक्शन ए था पहले, अब सेक्शन बी से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 8, बिंदु 5 माइनस 6 और माइनस 1 माइनस 4 जो जोड़ने वाले रेखा को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है यह निकालना दोस्तों, ठीक है। कि माना कि बिंदु P ना 0y, ठीक है, जो रेखाखंड को M1 M2 में विभाजित करता है, ठीक है। ना पहले एक लाइन लेते दोस्तों, जिसमें से मानते हैं इसको A, इसको B, और यहाँ लिखा हुआ है P बिंदु, P इसको मान लेते हैं, और इसका मान दिया दोस्तों ना 0 और Y। हमेशा याद रखिएगा कि जब y अक्ष बोला जाए तो यहाँ मान लेना है 0y, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कि y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, तो 0 और y मान लेना है, ठीक है। अब यहाँ a का मान दिया दोस्तों ना 5 और -6 का मान दिया हुआ है -1 और -4, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है, जिसमें से M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो इसको हमेशा लिखना है x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों ना, x का फॉर्मूला होता है, यहाँ याद रखिएगा, जब x लिखना है तो M2 लिखेंगे तो x1 का लिखना है, और M1 लिखेंगे तो x2 लिखना है, बस यही याद रखना है फॉर्मूला में, और M1 प्लस M2 हो जाएगा, ठीक है।
x का फॉर्मूला निकालने का क्या होता है दोस्तों, ना m2 लिखेंगे ना तो x1 लिखना है प्लस, और m1 जब लिखेंगे तो x2 लिखेंगे, और यहाँ m1 प्लस m2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं ना, x का मान क्या दिया हुआ है ना, जीरो, तो यहाँ लिखना है जीरो। m2 का मान क्या दिया हुआ है ना, वैसे ही m2 ही रखना है, और यहाँ x1, तो x1 का मान क्या है ना, पाँच, तो यहाँ लिखेंगे पाँच। फिर प्लस m1 का मान क्या है, कुछ नहीं, तो m1 का m1 ही रहेगा मल्टीपल। x2, x2 का मान क्या है ना, माइनस वन, तो लिखेंगे माइनस वन बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अब क्या है ना, m1 इसको क्रॉस मल्टीपल करना है, इससे इसको सच मल्टीपल करना है, तो m1 प्लस m2 को जीरो से मल्टीपल करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा ना, जीरो, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट इसको मल्टीपल करना है, तो पाँच 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 m2 को मल्टीपल करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा ना, पाँच m2 हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ क्या है ना, प्लस है माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा ना, माइनस, तो यहाँ लिखेंगे माइनस। और m1 को वन से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 इसकल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जब इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों ना, पाँच m2 इसकल टू, यहाँ प्लस माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना, प्लस m1। और क्या करना है दोस्तों, यहाँ जो रहता है मल्टीपल यहाँ लिखना है, और यहाँ जो मल्टीपल रहना है उसको यहाँ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ जो मल्टीपल रहता है दोस्तों, एक यहाँ लिखना है, ये पांच मल्टीपल यहाँ लिखना है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इसका मतलब ये हो गया कि m1 का मान पाँच हो गया और m2 का मान एक हो गया, तो यहाँ लिखना है दोस्तों कि m1 रेशियो m2 इसकल टू क्या, तो m1 का मान क्या है ना, m1 इसकल टू पाँच, तो यहाँ लिखेंगे पाँच, और m2 का मान क्या है ना, वन, तो लिखेंगे वन। तो यही निकालना था दोस्तों, m1 और m2 का मान, तो 5:1 के अनुपात में विभाजित करता है, और यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इसमें से यही है कि फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बिना फॉर्मूला से आप हल नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग रखिएगा तो हर फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। यहाँ x क्या बताए थे, जब यहाँ x लिखना है तो लिखेंगे m2 और यहाँ x1 रहेगा, और जब यहाँ m1 रहेगा तो x2 रहेगा, मतलब ये इसका इसका ये m2 है तो x1 रहेगा, मतलब यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 रहेगा, बस यही लॉजिक याद रखिएगा, और यहाँ m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष A इक्वल टू ना 5 5 2, B इक्वल टू 4 7 और 7 -4 है, इसका क्षेत्रफल निकालना दोस्तों, ठीक है। पहले एक फिगर बनाना दोस्तों, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। तो ए का दिया हुआ है ना 5 और 2 दिया हुआ है, बी का दिया हुआ दोस्तों ना 4 और 7 दिया हुआ है, और सी का दिया हुआ है 7 और -4 दिया हुआ दोस्तों, ठीक है। अब इसका मान लिख लेते हैं दोस्तों ना, ए इसकल टू लिखेंगे ना 5 और 2, इसका मतलब यहाँ x1 ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, तो यहाँ लिखना है ना x1 इसकल टू 5 और y1 इसकल टू हो जाएगा 2, ठीक है। और b का मान क्या दिया दोस्तों ना 4 और 7 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 4 और 7, यानी हो जाएगा x2 का मान 4 और y2 का मान हो जाएगा 7, ठीक है। और फिर c का मान दिया दोस्तों ना 7 और -4, जिसमें से एक्स थ्री का मान दिया हुआ है 7 और y3 का मान दिया हुआ है -4, ठीक है। तो एक फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों ना, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधा गुना ऊंचाई, ठीक है। लेकिन यहां क्या दिया हुआ दोस्तों ना, पॉइंट में दिया हुआ है, ठीक है, बिंदु दिया हुआ है, तो उसमें यह फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि कैसे इसको, सबसे पहले क्या होता है ना, फॉर्मूला याद रखना बहुत दिक्कत होता है, लेकिन अब लॉजिक से अगर याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैसे याद रखना है ध्यान दीजिएगा, हमेशा पहले x1 लिखते हैं, ठीक है। तो हम देखें कि यहाँ x1 हो गया, यहाँ y1 हो गया दोस्तों, तो जब इसका काम हो गया तो बस आगे आ जाना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ ना वाई टू में वाई थ्री घटेगा, याद रखिएगा, यहाँ एक्स टू होगा, यहाँ यहाँ क्या दिया हुआ है, x2 का मान 4 है, y2 का मान 7 है, तो इसमें इसको घटाना है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो लिखेंगे ना y2 माइनस y3, ये हो गया फॉर्मूला स्टार्ट। अब x1 का काम हो गया दोस्तों, अब x2 लेना है, तो लिखेंगे ना x2, अब इसको पूरा को छोड़ देना दोस्तों, अब इसमें आ जाना है y में, तो y3 माइनस y1 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे ना y3 माइनस y1। फिर x1 का हो गया, x2 का हो गया, अब x3 लेंगे दोस्तों,
तो x3 लिए मतलब इससे लिए तो इसको पूरा छोड़ देना है, अब इससे इसको घटाना है, यानी y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं फॉर्मूला को। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से बता देते हैं दोस्तों, क्या है ना, पहले x लेंगे तो जब x लेंगे तो पूरा छोड़ देना है और y2 से y3 को घटाना है, यहां हो गया। अब जब x2 को लेंगे तो पूरा छोड़ देना x2 को और y3 से y1 को घटाना है, तो y3 से y1 हो जाएगा दोस्तों। आज जब x3 लेंगे तो x3 को पूरा छोड़ देना इधर, तो y1 से y2 को घटाना है, तो y1 से y2 घटा दिए, तो ये फॉर्मूला बन गया दोस्तों। ठीक है, तो आप माइंड में सेट करके हर क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब सब वैल्यू दिया हुआ है, उसका वैल्यू पुट करना है। अब यहां साफ साफ लिख दिए हैं x1, x1 का मान क्या दिया हुआ है ना, पांच, तो यहां लिखेंगे पांच। अब y2 माइनस y3, तो y2 का मान कितना है, 7, और y3 का मान कितना है, माइनस 4, तो लिखेंगे ना 7 यहां माइनस है और यहां माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ना, 4, ये हो गया दोस्तों। ठीक है, यहां माइनस था और यहां माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां 4 है तो 4 हो जाएगा। अब x2, x2 का मान क्या दोस्तों ना, 4 है, तो लिखेंगे यहां 4। अब y3 माइनस y1, तो y3 का मान कितना है ना, माइनस 4, और y1 का कितना है ना, 2, तो यहां लिखेंगे ना माइनस 4 माइनस 2, फिर प्लस। अब यहां x3 का मान क्या दोस्तों ना, 7 है, तो लिखेंगे 7। अब क्या है ना, y1 माइनस y2, तो y1 का मान कितना है ना, 2, और y2 का मान 7 है, तो लिखेंगे ना 2 माइनस 7, ब्रैकेट बंद, ऐसे बनाना है। ठीक है, फिर लिखेंगे 1 बाई 2, फिर यहां 5 है दोस्तों, और प्लस 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 हो जाएगा, तो 7 और 4 कितना होगा, 11, तो 11 लिखेंगे, फिर प्लस, और यहाँ क्या है दोस्तों ना, 4, तो 4 लिखेंगे, फिर माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 2 6 हो जाएगा, वो भी माइनस में होगा, फिर प्लस, फिर क्या दोस्तों ना, 7 है, फिर गुना लिखेंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 में 2 घटेगा कितना हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा, वही माइनस में होगा, क्योंकि दोनों में जो बड़ा रहता है उसी का वैल्यू यहाँ रहता है दोस्तों। ठीक है, अब ब्रैकेट बंद, फिर लिखेंगे 1 बाई 2, और 11 5 55, फिर यहाँ देखिए दोस्तों माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 6 6 24 हो जाएगा दोस्तों, फिर यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस लिखेंगे, और 7 5 35 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर लिखना दोस्तों ना 1 बाय 2, फिर क्या है दोस्तों ना, यहाँ है 55, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो कितना हो जाएगा ना, 9 और 5, फिर माइनस हो जाएगा दोस्तों, तो क्या लिखेंगे दोस्तों ना 1 बाई 2 मल्टीपल, फिर प्लस माइनस माइनस, तो 59 में 55 घटाएंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा ना, -4, यानी -4 हो जाएगा। ठीक है, आप इससे इसको काट सकते हैं ना 2 बार में, तो कितना आ गया दोस्तों ना, -2, यही इसका आंसर होगा ना, वर्ग इकाई। ठीक है, और यही इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों यहाँ सवाल उठता है कि वर्ग क्यों लिखा गया है, क्योंकि जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका वर्ग ही रहता है, और यहाँ सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ इकाई मान लिए, तो वर्ग इकाई हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उनियन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये निकालना दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, तो फिगर बनाता है दोस्तों, ये 60 डिग्री पर है दोस्तों। ठीक है, और मीनार से 15 मीटर दूरी पर स्थित है, 15 मीटर। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है दोस्तों, तो ऊंचाई को मान लेते हैं h, तो यहां लिखना है न माना कि मीनार की ऊंचाई दोस्तों ना h मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या लिखना है ना, tan, तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि tan लेके क्यों बनाएं, साइन लेके क्यों नहीं बना सकते हैं, cos लेके क्यों नहीं बना सकते हैं, तो यहां दिया हुआ है ये p हो गया दोस्तों, ये हो गया b, तो p जो और b होता है दोस्तों ना tan में आता है, क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है p by b, या आप cos से भी निकाल सकते हैं क्योंकि b by p आता है, तो tan से बना सकते हैं, तो tan लिखेंगे, और यहां 60 डिग्री है तो लिखेंगे 60 डिग्री इक्वल टू p by b, तो p का मान क्या दोस्तों ने h लिखे हैं, तो ये लिखेंगे h, और b का मान क्या है ना 15, तो लिखेंगे 15, ये हो गया दोस्तों। ठीक है, तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है ना, √3/1 मान लेते हैं, √3 होता है नीचे कुछ नहीं, तो 1 मान लिए। अब यहां क्या है दोस्तों ने h/15, अब h को 1 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा ना, h ही होगा, अब इससे इसको मल्टीपल करेंगे तो 15 गुना √3 है, तो कितना हो जाएगा ना, 15√3 होगा, और यही मीनार की ऊंचाई होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं न मीनार की ऊंचाई, लिख सकते हैं न मीनार की ऊंचाई न 15 रूट
3, ठीक है, हम मीटर में दिया हुआ है तो मीटर होगा और यही इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों एक फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, क्योंकि हर बार पूछा ही जा रहा है कि साइन थीटा इजकल टू होता है ना पी बटा एच, और कॉस थीटा फॉर्मूला होता है ना बी बटा एच, टेन थीटा फॉर्मूला होता है पी बटा बी दोस्तों। अब साइन के बाद होता है कॉसेक, कॉसेक का फॉर्मूला देखिए, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, इसलिए अपोजिट, एच ऊपर चल जाएगा पी नीचे हो जाएगा तो लिखेंगे एच बाय पी। अब कॉस का उल्टा होता है दोस्तों ना सेक, तो लिखेंगे सेक थीटा इजकल टू बी एच बाई बी, तो एच में कितना एच लिखेंगे और हो जाएगा ये नीचे चल जाएगा, ये ऊपर है और ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो यहाँ बी हद भी रहेगा। अब लिखेंगे कॉट, तो कॉट क्या होता है ना टेन का अपोजिट होता है, तो टेन का अपोजिट मतलब बी ऊपर पी नीचे, तो लिखेंगे ना बी बाय पी, और यही इसका फॉर्मूला होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, यदि टेन ए इजकल टू कॉट बी तो सिद्ध कीजिए ए प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री, ये निकालना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या दिया हुआ है तो लिखना है दोस्तों ना दिया गया है ना टेन ए इजकल टू कॉट बी। ठीक है, तो लिखेंगे ना कॉट 90 डिग्री माइनस ए इजकल टू कॉट बी, ये कॉट और कॉट कट जाएगा दोस्तों, तो क्या होगा ना 90 डिग्री माइनस ए इजकल टू बी। अब क्या है ना 90 डिग्री इजकल टू, और यहाँ बी है, यहाँ क्या है ना माइनस, उधर जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों ना प्लस हो जाएगा ए, तो लिख सकते हैं ना ए प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री, और यही प्रूव करने के लिए बोला गया था और इसका ये प्रूव हो गया दोस्तों, तो लिख सकते हैं ना प्रूव दैट। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं इजी से और आसान से। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 जो है, ये रेखाखंड ना 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, यानी इसको विभाजित करके दिखाना है दोस्तों। तो इसको जो है इसके बनाने के लिए स्केल कॉम्पास डिवाइडर चाहिए, तभी बना सकते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है क्लास और ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को जानना है तो कमेंट कीजिएगा, तब हम कॉपी में और बना के वीडियो डालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 13, ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तभी हम बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे। ठीक है, और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन करना है दोस्तों, और ये एग्जाम में पूछता ही पूछता है दोस्तों, यानी जितना भी क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सेट इसमें 5 है, शर्मा के इसमें अगर 5 का 5 कर लेते हैं तो आपका 100% आप जो है पास नंबर ला ही सकते हैं। ठीक है, और अच्छा मार्क्स भी आएगा। ठीक है, मेहनत करने से हर क्वेश्चन आप इजी से और आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आपके मेहनत पर डिपेंड करता है कि इसको बनाना कैसे है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, एक थैले में 1 लाल 5 काली और 3 नीली गेंद है, निशा बिना थैले के अंदर झांके इनमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद ए काली है, बी लाल है, सी नीली है, ये निकालना दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले ना क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन दोस्तों, तो पहले लिखेंगे ना कुल गेंद दोस्तों, ना पहला गेंद क्या क्या दिया हुआ है, 1 प्लस 5 प्लस 3, तो टोटल दोस्तों ना 9 गेंद है। ठीक है, तो पहला नंबर में दिया हुआ तो दोस्तों ना काली गेंद। ठीक है, तो काली गेंद दिया हुआ दोस्तों ना 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ काली का निकालना है, काली का तो क्या दोस्तों ना काली का निकालना है, तो काली वाला ऊपर लिखेंगे और जितना संख्या रहता है उसको नीचे लिखना दोस्तों, तो कितना है ना 9, बस यही इसका आंसर हो गया दोस्तों। अब दूसरा नंबर दोस्तों ना लाल है, तो लिखेंगे ना लाल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल, तो लाल की संख्या कितनी है दोस्तों, ना लाल की संख्या है, लाल गेंद जो है वह 1 है, तो लिखेंगे ना प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल इजकल टू 1/9, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ना 3 में दिया हुआ है दोस्तों, नीली है, तो नीली गेंद कितना है ना नीली गेंद दोस्तों, तो नीली गेंद दिया हुआ दोस्तों ना 3। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नीली निकालना है, नीली गेंद का, तो कितना है ना 3, और कितना संख्या हो तो दोस्तों ना 9, तो लिखेंगे 9, काटेंगे 3 * 3 = 9, यानी 1/3 होगा और यही इसका आंसर होगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं आसानी से और इजी से। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता, ठीक है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई क्या है ये निकालना दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें फिगर पर बनाना है दोस्तों। तो मानते हैं एक भवन, ठीक है, और यहां से एक टावर खड़ा कर दिया गया दोस्तों, और जो दिया हुआ है वह 60 है, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई को मानते हैं दोस्तों, तो दोस्तों इसको मानते हैं ए, ये हो गया बी, और इसको मानते हैं सी, ये हो गया दोस्तों डी, और इसको ई, ठीक है। तो लिखना है दोस्तों ना माना की, माना की, तो दोस्तों मानते हैं ना ए और बी, ये भवन है, भवन, और सी और डी केवल टावर है, ठीक है, जिसमें से ए बी का मान दिया हुआ दोस्तों ना 7 मीटर दिया हुआ है। अगर यह ए बी 7 मीटर होगा तो ए बी 7 मीटर होगा दोस्तों, और ये पूरा का पूरा मान लेते हैं दोस्तों एच मान लेते हैं, इसको पूरा का ऊंचाई मान लेते हैं दोस्तों ना एच मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा ना एच माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बीच का कोण जो दोस्तों ना 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी 45 डिग्री। तो लिखेंगे ना त्रिभुज ए बी डी में ना टेन 45 डिग्री इक्वल टू पी बटा बी, तो पी का मान क्या है दोस्तों ना 7, तो लिखेंगे 7, और बी को मान लेते हैं यानी बी, इसको मान लेते हैं एक्स, ठीक है, तो यहाँ लिखना है एक्स। अब टेन 45 डिग्री का मान क्या दोस्तों ना 1 होता है, तो लिखेंगे 7/x, तो 1 को x से मल्टीपल करेंगे तो x हो जाएगा, और 1 को 7 से मल्टीपल करेंगे तो 7 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 मानते हैं, ठीक है। और फिर लिखना है ना त्रिभुज ना ए सी ई में, ठीक है, तो इसमें भी 10 लिखेंगे ना 10 60 डिग्री, ठीक है, ना ए सी ई में 60 डिग्री का, इसमें होता है P बटा बी, तो P का मान क्या है दोस्तों ना P का जो यहाँ मान दिया हुआ है ना H माइनस 7, तो यहाँ लिखेंगे ना P बटा बी, तो P बटा लिख सकते हैं ना सी ई बटा क्या लिखेंगे ना ए ई, ठीक है, ए ई लिख सकते हैं। तो टेन 60 डिग्री का मान होता है दोस्तों ना √3 होता है, बाय नीचे कुछ 1। अब सी ई का मान क्या दिया हुआ है ना एच माइनस 7 दिया हुआ है, और ए ई का मान यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ दोस्तों, तो ध्यान दीजिए अगर ये वाला इक्वल टू एक्स तो ये भी एक्स होगा, ठीक है, तो यहाँ एक्स का मान आ चुका है दोस्तों कितना ना 7, तो यहाँ लिख सकते हैं 7, तो यहाँ भी लिख सकते हैं 7। अब इससे इसको मल्टीपल करना है, ये पूरा इसके साथ मल्टीपल होगा, तो एच माइनस 7 को मल्टीपल करेंगे 1 से, तो क्या होगा ना एच माइनस 7 इक्वल टू, अब इससे इसको मल्टीपल करेंगे तो 7 - √3 हो जाएगा, ठीक है, तो एच इक्वल टू लिखेंगे ना 7 - √3, और यहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस हो जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं दोस्तों ना एच बराबर, तो कॉमन क्या दिख रहा है ना 7 यहाँ और 7 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 7 और यहाँ √3 हो जाएगा, और प्लस यहाँ के दोस्तों क्या होगा ना 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। तो यही इसका जो है ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है, किसका ना पूरा का पूरा केबल टावर की ऊंचाई दोस्तों ना मीटर में दिया हुआ है, इसलिए मीटर में लिख सकते हैं, और आप इस तरह से सोल्यूशन करके इजी से और आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसकी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला गोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने के संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है ना अर्धगोलाकार, तो इसमें एक खिलौना अर्धगोलाकार बनाते हैं दोस्तों, ठीक है, और इसका यह त्रिज्या होता है, इसी में एक शंकु बना दिया गया दोस्तों ना शंकु, और शंकु जब बना दिया गया तो इसका ये एच होगा दोस्तों एच, तो संपूर्ण ऊंचाई इसमें क्या होगा ना इसका संपूर्ण ऊंचाई दिया हुआ है, संपूर्ण ऊंचाई दिया दोस्तों ना 15.5 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों ना अर्ध गोलाकार में क्या होता है, यहाँ जो इसको आर कहेंगे तो यहाँ से यहाँ तक को भी आर ए बोला जाता है, इसको आर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जिसमें से ना आर इसका डू दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और पूरा का संपूर्ण ऊंचाई दिया दोस्तों ना 15.5
सेंटीमीटर ठीक है। वो तीर की ऊंचाई निकालना दोस्तों, क्योंकि शंकु में क्या होता है ना पाई आर एल होता है, तो एल निकालना है, एल का मतलब होता है तीर की ऊंचाई। तो तीर की ऊंचाई को एल बोलते हैं, तो यही इसका तीर की ऊंचाई होगा दोस्तों ठीक है एल। तो मानते हैं दोस्तों ने ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और यहां ओ मान लेते हैं ठीक है। तो लिख सकते हैं ना ओ सी इज इक्वल टू, यानी हम पहले हमको ओ सी का मान चाहिए। तो ओ सी का मान निकलेगा कैसे दोस्तों ना, ओ सी का मान जब निकलेगा ये पूरा वाला हाइट को ये पूरा वाला हाइट से घटा देंगे तो पता चल जाएगा। और हाइट का मतलब ये होगा दोस्तों कि ये त्रिज्या जो होगा ना, इस पूरा का जो ये त्रिज्या है इसका यहां से यहां तक का ये हाइट का काम करेगा दोस्तों, यहां से यहां तक का हाइट का काम करेगा। तो ये वाला निकालना है, तो पूरा वाला इससे इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा। तो कितना दिया हुआ है दोस्तों ना 15.5 दिया हुआ है इसका ये त्रिज्या हाइट का काम करेगा, तो इसका मान दिया हुआ कितना है ना 3.5, तो यहाँ लिखना है ना -3.5, तो कितना हो जाएगा ना 12.0, यानी इतना सेंटीमीटर हो गया दोस्तों। और ये ओ सी का मान हो गया दोस्तों ठीक है। अब तीर की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या दोस्तों ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो ओ सी का मान क्या दिया दोस्तों, ए बी का स्क्वायर चाहिए, तो जिसमें से ओ सी का मान दिया हुआ है कितना है ना 12, तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर। यहाँ ए बी का है तो यहाँ अंडर रूट दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ ए बी का स्क्वायर लिखते हैं और यही स्क्वायर उधर जाकर रूट हो जाएगा, तो रूट पहले ही दे दिए। अब ओ सी का मान दिया हुआ था 12, तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर, फिर प्लस ओ बी का मान, ओ बी का मान कितना है ना 3.5, तो लिखेंगे 3.5, और यहाँ अंडर रूट था, अंडर रूट रहेगा ही रहेगा ठीक है। 12 का होता है 144, और इसका हो जाएगा 25 और 4 × 3 = 12, यानी 12.5 हो जाएगा ठीक है। फिर जोड़ना है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा ना 2.25 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा 1। अब ना 156.25 का वर्गमूल होगा दोस्तों ना 12.5 होगा, ये हो गया तीर की ऊंचाई, यानी इसको L लिख सकते हैं ठीक है। चाहिए ना खिलौने का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए, तो यहां लिख सकते हैं ना खिलौने का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू, पहला ये क्या है ना शंकु है, तो लिखेंगे शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस, ये दोस्तों क्या दिया हुआ ना अर्धगोला का, तो लिखेंगे ना अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्ध गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया दोस्तों। अब देखिए ध्यान से कि शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ना पाई आर एल, और इसका होता है ना 2 πr². अब क्या कॉमा निकल सकते हैं, यहाँ पाई है, यहाँ पाई निकल जाएगा, यहाँ आर है, आर निकल जाएगा, तो लिखेंगे ना पाई आर, और यहाँ लिखे रह जाएगा ना एल प्लस, यहाँ रह जाएगा 2r, ये निकल जाएगा दोस्तों ठीक है। तो ये निकल गया, तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ना पाई का मान कितना होता है ना 22/7, तो लिखेंगे 22/7, और आर का मान कितना दिया हुआ है ना 3.5, लिखेंगे 3.5। अब एल का मान कितना दोस्तों ना 12.5 प्लस 2r, तो 2 × r का मान कितना है ना 3.5, ये दिया हुआ है दोस्तों ठीक है। अब इसको काट सकते हैं, यहीं 5 से काटना है, तो 5 × 7 = 35, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 × 10 = 2 हो जाएगा, इससे काट दो 11 हो जाएगा, तो लिखना है 11 × अब यहाँ क्या हो जाएगा ना 12.5 प्लस 7 हो जाएगा ठीक है, तो 11 × तो इसको जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा ना 19.5 हो जाएगा ठीक है। अब यहाँ तक लिख लीजिए और इसको मिटा देते हैं ठीक है। 11 से मल्टीपल करने का रूल याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इजी है 11 से मल्टीपल करने का रूल ना, 19.5 को 11 से मल्टीपल करना है, यहाँ कितना है ना 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 पॉइंट देंगे, तो 9 और 5 को जोड़ देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 14 × 14 = 1 हो गया, तो 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, तो 11 का 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना है ना 1 और 1 = 2, तो 214.5 होगा दोस्तों, क्या होगा ना सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो गया दोस्तों ना खिलौना का पृष्ठ क्षेत्रफल ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, निम्न आंकड़ों के माध्य ज्ञात कीजिए, तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो अगर इस तरह क्वेश्चन रहता है दोस्तों तो सबसे पहले ना 4 लाइन खींचना है 1 2 3 4 ठीक है, और जो दिया है उसको लिख लेना है। तो क्या दिया हुआ है ना वर्ग अंतराल, तो लिखेंगे यहां वर्ग
अंतराल। आधी आवाज दोस्तों बारंबारता, तो यहां लिखेंगे बारंबारता, और यहां लिखेंगे ना वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, ठीक है। तो ना जीरो दस दिया हुआ है, फिर दस बीस दिया हुआ है, बीस से तीस दिया हुआ है, तीस से चालीस दिया हुआ है, चालीस से और पचास से साठ दिया हुआ है दोस्तों, यहां तक दिया हुआ है, ठीक है। जिसमें से बारंबारता, बारंबारता को F1 बोला जाता है दोस्तों, और इसका मान दिया हुआ है आठ दिया हुआ है, यहाँ 60 होगा, ठीक है। दिया हुआ है ना तीन और आठ और छ, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह को X1 मान लेते हैं, लिखा जाता है ना F1 और X1, ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। तो वर्ग चिन्ह निकालने का रूल कैसे होता है दोस्तों, ना दोनों को जोड़ना है, तो दस और जीरो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ना दस होगा, दस को दो से भागा देंगे कितना आएगा ना पांच, तो यहाँ लिखना है पांच। फिर इससे इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और 20 कितना हो जाएगा 30, 30 को 2 से भागा देंगे कितना आएगा ना 15, तो लिखेंगे 15। फिर 20 और 30 कितना हो जाएगा 50, 50 को 2 से भागा देंगे कितना हो जाएगा ना 25। फिर 30 और 40 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 70, 70 को 2 से भागा देंगे कितना हो जाएगा ना 35, तो 35 लिखेंगे। और 40 प्लस 50 कितना हो जाएगा 90, 90 को 2 से भागा देंगे कितना हो जाएगा ना 45, 45 लिखेंगे। और ना 50 प्लस 10 है कितना हो जाएगा ना 110, 50 प्लस 60 है तो कितना हो जाएगा ना 110, 110 को 2 से भागा देंगे कितना हो जाएगा ना 55, ठीक है। और अगर ये एक सीरियल पर मिल रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ देखिए ना 5 से 10 हुआ है, सॉरी 5 से 15 हुआ है, तो मतलब कितना जोड़ा गया 10, तो 15 में 10 जोड़ा, 25, 25 में 10 जोड़ा, 35, 35 में जोड़ा, 45, 45 में 10 जोड़ेंगे 55, तो इस तरह लिख सकते हैं अगर इतना नहीं करना है तो, ठीक है। अब लिखा है ना F1 और X1, तो दोनों को मल्टीपल करना है, तो ये हो गया F1 और ये हो गया X1, दोनों को मल्टीपल करना है कितना हो जाएगा ना 25, तो लिखेंगे 25। और 15 अट्ठे 120, यहाँ लिखेंगे 120। अब 25 को 10 से मल्टीपल करेंगे तो 250, और 35 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 5 तीन 15, 3 तीन 9 10, 105 हो जाएगा। इससे इसको मल्टीपल, 45 को 8 से मल्टीपल करेंगे दोस्तों ना कितना हो जाएगा ना 360 हो जाएगा। और 55 को 6 से मल्टीपल करेंगे तो 6 5 30 और 6 5 30 और 3 33 यानी 330 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब क्या दोस्तों ने इसको याद रखिएगा ना सिग्मा F1, सिग्मा F1 का मतलब क्या है, सबको जोड़ना है, ठीक है, और जोड़ के जितना आएगा यहाँ लिखना है, ठीक है, ओके। जोड़ेंगे दोस्तों ना कितना हो जाएगा ना 40 हो जाएगा, और यहाँ लिखना है ना सिग्मा F1 और X1। सिग्मा मतलब क्या हो गया, ये इन सबको जोड़ना है, और इन सबको जब जोड़ेंगे दोस्तों तो आएगा 1190 आएगा दोस्तों, ठीक है। तो निकालना क्या है दोस्तों, ना माध्य निकालना है, तो माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा F1 X1 बाय सिग्मा F1। तो सिग्मा F1 का, सिग्मा F1 X1 का मान दिया हुआ दोस्तों ना 1190 बटा सिग्मा F1, सिग्मा F1 का मान कितना दिया हुआ है 40, तो नहीं लिखेंगे 40, ये जीरो इसके साथ कट जाएगा और भागा देना है, तो जब भागा देंगे दोस्तों तो कितना आएगा 29.75 होगा, और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं माध्य इजी से और आसानी से, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न आंकड़ों को से माध्य का ज्ञात कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह में भी ऐसा ही बनाना है दोस्तों, ठीक है। पहले जो दिया है उसको लिखना है, वह है ना वर्ग अंतराल, तो लिखेंगे वर्ग अंतराल। बारंबारता तो लिखेंगे बारंबारता, ठीक है। बारंबारता को F1 मान लेते हैं, और यहां लिखते हैं संचयी बारंबारता यानी सी एफ, सी एफ, ठीक है। दिया हुआ है ना 10 से 25, फिर 25 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 55 से 70, 70 से 85, और 85 से 100, ये दिया हुआ दोस्तों, ठीक है। और ना इसका बारंबारता भी दिया हुआ दोस्तों, ना 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 6 6 6 दिया हुआ है। तो संचयी बारंबारता निकालने का मतलब क्या है दोस्तों, ना यहाँ 2 है ना तो 2 लिखना है, और 2 को 3 से जोड़ना है कितना हो जाएगा ना 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे। फिर 5 को 7 से जोड़ना है कितना हो जाएगा ना 12, तो 12 लिखेंगे। और 12 को 6 से जोड़ना है कितना हो जाएगा ना 18, तो लिखेंगे 18। 18 को 6 से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और 24 को 6 से जोड़ना है दोस्तों ने कितना हो जाएगा ना 30, ठीक है। तो यही इसका योग होगा दोस्तों, ठीक है।
आप लिख सकते हैं ना एन इजकल टू ये 30, ठीक है। तो निकालना पहले क्या है, एन बाई टू निकालना है। तो 30 को 2 से भागा देंगे दोस्तों, कितना आ गया 15। अब 15 से जो अधिक होता है, तो जो 15 से अधिक हुआ दोस्तों 18 हुआ गया, और 18 के जो सेंटर में यहाँ होगा तो यही जो होगा वह माध्यक वर्ग होगा दोस्तों, ना माध्यक वर्ग कितना है ना 55 और 70। इससे आप बहुत क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो पहला वाला होगा दोस्तों ना इसको L बोलेंगे, तो L का मान कितना है ना 55, और यहाँ 55 से 70 हुआ है, कितना जोड़ा गया दोस्तों ना 15 जोड़ा गया है, तो ये 15H हो गया दोस्तों, ठीक है। और क्या निकालना है, CF निकालना है। तो CF का रूल्स क्या होता है दोस्तों, जो n का n बाई टू में 15 आया है, 15 से जो कम होगा वही CF होगा। तो 15 से कम क्या हो रहा है ना दोस्तों ना 12, तो यही इसका CF हो गया। और एक छूट रहा है दोस्तों ना क्या ना F, ठीक है। तो जो इसके बीच में आता है वर्ग माध्य के जो बीच में F का जो बीच में आएगा दोस्तों, तो यही होगा ना F का मान। तो F का मान कितना दोस्तों ना 6, ये हो गया। अगर आप इतना निकाल लेते हैं तो माध्यक आपका निकल गया, ठीक है। सबसे दिक्कत यही होता है कि इसमें निकालना कैसे होता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा ना सबको जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद यहाँ जो आएगा उसको n बटा टू कर लीजिएगा, ठीक है। तो 15 आ गया ना, 15 से जो ज़्यादा होगा CF में, 15 से जो जोड़ के आएगा यहाँ, इससे जो ज़्यादा होगा इसका लास्ट में यहाँ लेंगे वर्ग अंतराल में, यही माध्यक वर्ग होगा, इसको ले लिए। और जो पहला वाला होगा वह L होगा, तो L लिख दिए 55, और यहाँ 55 से 70 हुआ है तो ये H होगा, यानी कितना हो रहा है ना 15। तो CF क्या हो गया दोस्तों ना, CF का रूल्स होता है, फॉर्मूला में रूल्स दिया हुआ है, साफ साफ पढ़ सकते हैं आप लोग, कि जो एन बटा टू से कम होगा तो इससे जो कम होगा तो यहाँ क्या है ना 12, तो यही CF हो गया। और F में जो माध्यक वर्ग का जो बीच वाला होगा वही F होगा, यानी 6, तो ये 6, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब फॉर्मूला लिखना है दोस्तों, माध्यक का फॉर्मूला होता है ना माध्यक इक्वल टू ना L प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ बाय F इंटू H, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है। अब यहां देख सकते हैं ना L का मान कितना है ना, L का मान 55 है, तो यहां लिखना है 55, फिर प्लस n बाई टू, तो n बाई टू का पहले मान निकाल चुके हैं 15, तो यहाँ लिखेंगे 15 माइनस सी एफ का मान, तो सी एफ का मान कितना है ना 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 बाय f का मान कितना दोस्तों ना, f का मान दिया हुआ है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 गुना h का मान कितना है ना 15, तो यहाँ लिखेंगे 15, ठीक है। तो लिखेंगे ना 55 प्लस, तो 15 में 12 घटाने दोस्तों कितना हो जाएगा ना 3/6 गुना 15, तो 3 से काट सकते हैं 3/6, तो कितना हो गया ना 55 प्लस 15 को भागा देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा ना 7.5 होगा। अब इसको जोड़ना है दोस्तों, तो यहाँ 0.5 है, 7, 5, 12 का 2 और 5 और 1 6, यानी 62.5 होगा, और यही इसका माध्यक होगा, और यही इसका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इजी से और आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखें, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, जो आपका फ्रेंड है जो पढ़ाई करता है क्लास 10 में उसको शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।